हेलो बच्चों, वेलकम टू एसआर क्लासेस। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का किसे कहते हैं। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का दिया क्यों गया था। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो है वो दिया गया था कि हम लोग दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक निकाल सकें, ठीक है। इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का को दिया गया था। ये कहता क्या है? तो ये कहता है कि यदि दो संख्याएँ हैं, दो धनात्मक पूर्णांक रहे आपके पास, ए और बी, दो धनात्मक पूर्णांक रहे, तो इन दोनों धनात्मक पूर्णांकों के लिए दो और पूर्णांक संख्याएं आपको मिलेंगे अद्वितीय। मतलब ऐसा पूर्णांक और आपको नहीं मिलेगा, अद्वितीय पूर्णांक आपको मिलेगा जिसका नाम आप कुछ भी लगा सकते हो। उन्होंने बताया कि Q और R नाम का दो और धनात्मक पूर्णांक आपको मिलेगा, ठीक है, जिसके कारण ये चारों आपस में एक रिश्ते में बंध जाएंगे। और वो रिश्ता क्या कहलाएगा? वो रिश्ता कहलाएगा A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। काफ़ी हौच पौच हो गया। क्या है ये कि ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक, उसके लिए दो अलग से धनात्मक पूर्णांक, और ये चारों एक रिश्ते में बंध गए। तो इन सब चीज़ों को समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा जाते हैं बच्चे क्लास में, जो बच्चा हम लोग जब बच्चे थे तब पढ़ रहे थे उस क्लास में जाते हैं और एक एग्जाम्पल लेते हैं। मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि आपको 21 को डिवाइड करना है चार से, कितना बार में लगेगा? पाँच बार में। और ये देखिए यहाँ पे ये बच गया, ठीक है। तो ये वाला चीज़ आपके पास दो संख्या था, चार और 21 नाम का दो संख्या था, इन दोनों संख्याओं के लिए देखिए दो और संख्या मिला, ठीक है। ये जिसको ये बोलते हैं भागफल बोलते हैं और शेषफल बोलते हैं, इंग्लिश में इसे कोसेंट कहते हैं और इसको रिमाइंडर कहते हैं, ठीक है। दो और संख्या मिला ना, अब इन दोनों के साथ ये दोनों जो पहले की संख्याएँ थी वो एक संबंध में बन जाते हैं। संबंध में कैसे बन जाते हैं वो मैं बाद में बताऊँगा, पहले ये बताना चाहूँगा कि जब हम लोग बच्चे थे तो चेक करते थे कि ये मैंने जो भाग दिया है वो सही दिया है कि नहीं दिया है। तो कैसे चेक करते थे? यहां पे जो भागफल आया है इसको गुना करते थे किससे? जिससे भाग लगाया था उससे। तो कितना आया? 5 × 20। और जो शेषफल आया था उसको इसमें जोड़ देते थे। मतलब क्या हुआ कि अगर आपको ये वाला चीज पाना है, मतलब कि ये 21 अगर आपको पाना है, तो जो भागफल आया था, भागफल कितना आया था? 5। और जो जिससे हमने भाग लगाया था, पहले ऐसे करते हैं, जिससे भाग लगाया था उसका गुना करते थे किससे? जो भागफल आया था उससे। और नीचे वाला जो शेष था उसको हम लोग क्या करते थे? जोड़ते थे, ठीक है। तो यही है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। क्लियर है? समझ में आया? दो संख्याएं अगर उसमें से बड़ी संख्या को या छोटी संख्या को भी बड़ी संख्या से भाग लगाया जाए, तो ये जो भागफल और शेषफल नाम का जो नया संख्या मिलता है ना, उन दोनों के साथ पुरानी दोनों संख्याएं एक रिश्ते में बन जाती हैं, ठीक है। और वो रिश्ता क्या होता है? ये होता है, ठीक। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं भाज्य। जिसको भाग लगाते हैं उसे क्या कहते हैं? भाज्य। इंग्लिश में कहा जाता है इसको डिविडेंट, ठीक है। ये जो है ये किसके बराबर होता है? तो जिससे भाग लगाया है उसको क्या कहते हैं? भाजक। जक कैसे लिखाएगा? हाँ, भाजक। गुने, ये जो चीज है जो यहाँ पे आया है उसको क्या बोलते हैं? भाग फल। और जो नीचे में आया है उसको क्या बोलते हैं? शेष फल, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ये देखिए, ये हम लोग भाग लगाते हैं, तो जो यहाँ पे संख्या होता है उसे क्या कहते हैं? भाज्य। और जो यहाँ पे होता है उसको क्या कहा जाता है? भाजक। और जो यहाँ आता है उसको क्या कहते हैं? भाग फल। और जो नीचे आता है जोड़ घटाव कर करके उसे हम लोग क्या कहते हैं? शेष फल, ठीक है। तो ये देखिए, ये दो संख्याएं तो आपके पास पहले से होती हैं, तो यही दोनों संख्याएं ए और बी है। इन दोनों संख्याओं के लिए ये दो संख्या, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, हम लोग खुद से निकालते हैं भाग दे करके, ठीक है। और फिर ये चारों क्या हो जाता है? भाज्य इज इक्वल टू भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल नाम के रिश्ते में बन जाता है। और इसी को क्या कहते हैं? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे दो एक बातें समझने वाली है, वो ये कि ये जो आर है वो कभी भी बी से बड़ा नहीं हो सकता। आर जो है वो कभी भी बी से बड़ा नहीं हो सकता। इस बात को समझने के लिए मैं यहाँ पे एक ये लेता हूँ, आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे समझाता हूँ बातों को, ठीक है। देखिए आप इसी चीज़ से, ये जो मैंने यहाँ पे भाग लगाया था ना 21 को, ये 41 कैसे लिखा गया? 21 को हम लोग भाग लगाते हैं चार से, कितना बार में जा रहा है? 5 बार में, ठीक है। चलो 20 को लगाते हैं, तो 20 ही आया, शेष कितना आया? 0। कुछ शेष बचा? नहीं बचा। तो R जो है वो क्या रहा? 0 आया। और हाँ, यहाँ पर ये अपना B है, B इज इक्वल टू 4 है, और ये जो 20 है
a इज इक्वल टू क्या लिया है शुरू में, स्टार्टिंग में 20 लिया है, इसको हम लोग बदलते रहेंगे लेकिन b को फिक्स रखते हैं। अच्छा, इसको अगर हम 21 कर दें तो यही पांच बार में लगेगा, और फिर 21 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा, एक, तो r जो है वो कितना आ रहा है, एक आ रहा है। ठीक, अगर हम इसको 22 कर दें तो फिर इसमें से देखो 5 चके 20 तो 20 ही आएगा ना, और फिर 22 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा, 2, तो मतलब r इज इक्वल टू क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा, है ना, कुछ भी आ सकता है। अगर इसको हम लोग 23 कर दें तो 5 चके 20 अभी भी 20 बार ही में लगेगा, ठीक है जी, और शेष कितना बचेगा, 3, तो r इज इक्वल टू क्या आ गया, 3 आ गया। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं, अगर ये संख्या 24 रहता 4 से भाग देने पे फिर क्या होता, तो जब 4 से भाग देते तो फिर तो शेषफल मतलब यहाँ पे कितना आना चाहिए था, 4 आना चाहिए था, तो बच्चों यहाँ पे 20 नहीं आएगा, अब यहाँ पे जो भाग लगेगा वो कितनी बार लगेगा, 6 बार, 6 चके 24, तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 24, और फिर से आपका शेषफल कितना हो जाएगा, 0। मतलब ये जो R है, ये जो नीचे वाला चीज़ है, कितना भी बहक जाए, कितना भी मन बढ़ा ले, वो कभी भी इस B के बराबर, B अभी कितना था, 4 था, 4 नहीं हो सकता, वो 0 से स्टार्ट हुआ और 4 से 1 कम तक पहुँचा, और उसके बाद फिर से कहाँ पहुँच गया, 0 पहुँच गया। तो यहाँ पर एक शर्त बन गया, वो शर्त क्या बन गया, ये समझ में आया आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे जो शर्त बना वो ये कि ये जो अपना आर है वो क्या हो सकता है, 0 के बराबर हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है। तो ये वाला चिन्ह बताता है कि बड़ा हो सकता है, और ये वाला चिन्ह बताता है कि क्या, 0 के बराबर हो सकता है। लेकिन लेकिन कभी भी ये b के बराबर नहीं हो सकता है, b से हमेशा क्या रहेगा, छोटा रहेगा। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एक शर्त हो गया, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का समझ में आ गया। अब इसका यूज़ क्या है वो मैंने बताया था कि हम लोग क्या करते हैं, दो संख्याओं के बीच में महत्तम समापवर्तक निकालते हैं इसका इस्तेमाल करके। वो कैसे निकालते हैं भाई, तो देखिए हम लोग यहीं पे निकाल लें, मतलब दो एक संख्या ले लेते हैं, कौन सा संख्या ले लें, दो संख्या लेते हैं, एक 22 ले लेते हैं और एक यही 4 ले लेते हैं, ठीक। इसका महत्तम समापवर्तक कैसे निकलता है वो देख लेते हैं। तो महत्तम समापवर्तक कैसे निकलेगा बच्चों, तो जो बड़ी संख्या रहे ना, बड़ी संख्या उसको a मानना और छोटी वाली को b मानना, और फिर उसमें क्या करेंगे, भाग लगाएंगे। तो देखो 22 को भाग लगाओ 4 से तो कितना बार में जाएगा, अभी हम लोगों ने देखा था 5 बार में जाएगा, और यहाँ पे शेष कितना बचा, 2 बचा। अच्छा, तो यहाँ पे फिर हम लोग क्या करते हैं, अभी भूल जाओ कि यूक्लिड विभाजन से कर रहे हैं, बस ये जानो जैसे हम लोग बच्चे में सीखे थे ना वो कर रहे हैं। तो जब तक यहाँ पे 0 नहीं आता है, कट नहीं जाता है, कटकुट नहीं बचता है, तब तक फिर हम लोग इसको लेके आते हैं यहाँ और इसको भाग लगाते हैं, कितना बार में जाएगा, 2 बार में, 4, यहाँ पे क्या बच गया, शेष 0 आ गया, या तो कह सकते हैं कि क्या हो गया, कट गया। तो ये वाला जो चीज है ना उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, HCF कहते हैं, कि HCF इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया। तो अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो ये क्या है, क्या है ये 22 जो है, ये क्या किया हमने, इसको 4 से भाग लगाया, कितनी बार में, 5 बार में, और शेष कितना बच गया, 2 बच गया। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं कि अगर ये a है, 4 जो है वो b है, और 5 जो है वो कोई भी एक संख्या है, कोई भी एक संख्या है, इसका नाम हमने q दे दिया, और जो शेषफल है भी कोई भी एक संख्या बचेगा उसका नाम हमने क्या दे दिया, r दे दिया। तो देखो तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सही तो दे रहे हैं, और अगर r 0 आ गया, इफ r इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू अगर 0 आ गया तो ये जो हमारा b होता है वही क्या होता है, HCF होता है। अगर r इज इक्वल टू 0 तो b जो है वो हमारा क्या होगा, HCF होता है। और अगर r 0 ना हो, r 0 ना हो तो हम लोग क्या करते हैं, और अगर r 0 के बराबर नहीं हो तो क्या करते हैं, फिर ध्यान से सुनिएगा, ये जो b है, ये जो b है उसको फिर भाग लगाते हैं। जैसे यहाँ पे ये जो b था जिससे स्टार्टिंग में हमने बड़ी वाली संख्या को भाग लगाया था, उसी को फिर हम भाग लगाते हैं किससे, शेषफल से। तो मतलब इस बार a के जगह पर क्यों आ गया है, b आ गया है ना, इसको ना a बोलते हैं, जो अंदर रहता है, भाग के अंदर रहता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, a बोलते हैं। तो अगर हम इस ऊपर वाले को मिटार दें तो इस बार a कौन बन चुका है, 4 बन चुका है। तो ये जो है हमारा b जो है वो क्या बन गया है, a बन गया है। b जो है वो क्या बन गया है, a। अगर यहाँ पे कैसे था, ऊपर में ये था 22 और यहाँ पे क्या आया था, 20, यहाँ पे था 22 था, यहाँ पे 20 आया था, और ये 4 था, ये 5 था, ऐसा ही था। तो देखो जहाँ अंदर में पहले 22 था वो अंदर में अब कौन आ चुका है, 4। तो कौन था ये 4, कौन था जिससे हम लोग भाग लगाए थे, ये b था। तो b जो है वो क्या बन जाएगा,
ए बन जाएगा। और भाग किससे लगा रहे हैं दूसरी बार में, शेष फल से, तो ये जो हमारा शेष फल आर है वो क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। हौच पौच लग रहा है, यहां ध्यान से देखिए, ये शेष फल से हम लोग क्या कर रहे हैं, भाग लगा रहे हैं, और जिससे भाग लगाते हैं उसे हम लोगों ने क्या मान रखा है कि वो क्या है, बी है। ठीक है, जब तक नीचे जीरो नहीं आ जाए तब तक हर बार यही करना है, हर बार यही करना है। जब हम लोग इसका सवाल लगाएंगे ना तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि यह कैसे काम करता है। ठीक है जी, जैसे देखिए मैं इसी सवाल को यूक्लिड विभाजन प्रमेय से बना करके दिखा देता हूँ। इसको आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यही होता है वो तरीका। ठीक है, ऐसी बार बार रिपीट करते चले जाएंगे। अब आइए मैं एक सवाल लगा के दिखाता हूँ आप लोगों को, एक छोटा सा सवाल लूँगा, ज़्यादा बड़ा नहीं लूँगा, और चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी आप लोगों को समझ में आ जाए। जैसे देखिए एक संख्या है 44 और 6। अब इसको क्या करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से HCF निकालना है। तो देखिए 44 को हम लोग A मानेंगे और 6 को क्या मानेंगे, B। तो कितना बार में भाग जाएगा, तो साइड में ना ऐसे लगे हाथ इधर भी करते रहना, कॉपी पे दिखाना नहीं, इसको रफ वर्क में करना। 6 से भाग लगाया तो कितना, 6 छके 36, 6 सते 42, 7 छके 42, शेष कितना बचा, 2। तो हम लोगों ने कहा कि 6 का पहाड़ा 7 बार पढ़े और शेष कितना बचा, 2। लिखेंगे यहाँ पे, ये हमारा R है, लिखेंगे R नॉट इक्वल टू 0। अब R 0 नहीं है तो पिछली बार जो भाग लगा रहे थे जिससे, मतलब 6 से, अब उसी को भाग लगाएंगे। ये वाला 6 को कहाँ ले आएंगे, यहाँ, और किससे भाग लगाएंगे, जो शेष फल बचा है ना उसी से लगाते हैं। 3 बार में शेष कितना, 0। तो ये आ जाएगा सरक के आगे, 2 से भाग लगाया, कितना बार में लगा, 3 बार में, और शेष कितना बचा, 0। लिखेंगे कि चूंकि R इज इक्वल टू 0 इसलिए HCF किसका, 6 का और 44 का, या तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो कि 44 का और 6 का, 6 का 44 का, या 44 का 6 का, बात बराबर है। कितना आया, तो वो आया जिस स्टेप में R 0 हो जाए उस स्टेप का जो भाजक है वही हमारा आंसर होता है। तो कौन भाजक था, 2 था। ठीक है, तो यहां से HCF निकला 6 और 44 का 2। अब ये HCF का मतलब क्या होता है, HCF का मतलब समझें थोड़ा सा। HCF का मतलब होता है दुनिया का वह बड़ा से बड़ा नंबर जो दो संख्याओं को पूरा पूरा भाग लगा सके। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने किसका निकाला था, 44 का और 6 का। तो दुनिया में सबसे बड़ा संख्या जो है वो कौन है, 2 है, जो 6 को भी भाग लगा सकता है और 44 को भी भाग लगा सकता है। मतलब दोनों को भाग लगाना चाहिए, ऐसे नहीं कि 44 को लगाए और 6 को नहीं लगाए, या तो 6 को लगाए और 22 को नहीं लगाए, 44 को नहीं लगाए, दोनों संख्याओं को एक साथ भाग दे सके ऐसा सिर्फ एक संख्या है। सबसे बड़ा, छोटा तो और हो सकता है, सबसे बड़ा संख्या कौन है, वो है 2। 2 से बड़ा कोई संख्या आप लोग ढूंढ के देख लीजिए जो 44 को भी भाग लगा दे और 6 को भी भाग लगा दे, नहीं मिला, नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो इसे ही क्या कहा जाता है, HCF कहा जाता है। और इसको हम लोग किसके जरिए निकालते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के जरिए निकालते हैं। हम लोग बच्चे से ही निकाल रहे हैं ऐसे करके, और ये जो है वो क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ही तो है, बस लिखने का तरीका क्या हो गया, चेंज हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जब भी मिलेंगे तो इस पे हम लोग सवाल कर लेंगे अच्छे से। तो अगला वीडियो जो हमारा होगा वो होगा एक्सरसाइज का। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बने रहिए सार क्लास के साथ, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए।